तो मैंने आप सभी को पिछले वाले वीडियो में बताया था राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए, साथ ही साथ में राशन कार्ड कब से बनेगा उसका भी मैंने डिटेल दिया था पिछले वाले वीडियो में। तो जिनका राशन कार्ड नया बन चुका था तो उनका डाउनलोड कैसे करना है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप उस वाले वीडियो को देख कर आप नए राशन कार्ड जिनका बना होगा वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में बताऊँगा आप सभी को कि नए राशन कार्ड कैसे बनाना है और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा, इसमें मैं सारा जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसमें आप फ्री में आप राशन कार्ड घर बैठे बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप इस वाले वेबसाइट पर चले आएंगे, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से इस वाले लिंक पर डायरेक्ट चले आएंगे। इसके बाद आपको ना यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के नीचे और यहाँ पर आरसी ऑनलाइन के नीचे यहाँ पर अप्लाई फॉर ऑनलाइन आरसी लिखा गया, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पेज इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगा, तो आईडी पासवर्ड बनाने के लिए आपको टू रजिस्टर क्लिक हेयर पर आना होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान दें कि यहाँ पर अप्लीकेंट का नाम लिखना है, जिनका आप राशन कार्ड बनाना चाहते हैं उनका नाम लिखना होगा, यानी कि जिन जिन का बनाना होगा उनका नाम यहाँ पर इस तरह से रजिस्टर करना होगा। तो जिनके नाम से बनाना होगा, जैसे लेडी का नाम बनाएंगे तो बेहतर रहेगा, आपको जल्दी लेडी के नाम से बन जाएगा। तो यहाँ पर अपना नाम डालेंगे जिनका बनाना चाहते हैं, इसके बाद हिंदी में नाम लिखेंगे यहाँ पर, इसके बाद ईमेल आईडी, इसके बाद मोबाइल नंबर, इसके बाद ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में फिलअप करना है यहाँ पर ई वाले बॉक्स में, इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कर लेना है। मैं अपना यहाँ पर डिटेल सारा डाल चुका हूँ, इसके बाद गेट ओटीपी सेक्शन वाले पर क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ओटीपी एक मोबाइल पर आएगा और यहाँ पर फिलअप करना है, इसके बाद कैप्चा इस वाला डालना है, इसके बाद वैलिडेट ओटीपी। मैं यहाँ पर ओटीपी डाल चुका हूँ, इसके बाद वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा जिनका आप बना रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, सॉरी यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा अपना सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड डालेंगे, जो भी आपका पिन कोड होगा इस तरह से पिन कोड डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है, आप पासवर्ड बनाकर आपको यहाँ पर आठ जो आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ उस तरह से आप अपना पासवर्ड को डालेंगे। तो यहाँ पर आप पासवर्ड इस तरह से डाल लेंगे, इसके बाद कन्फर्म पासवर्ड, इसके बाद यहाँ पर कैप्चा, इसके बाद रजिस्टर। तो मैं इस तरह से सारा डिटेल डाल चुका हूँ, इसके बाद रजिस्टर वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप वहां से ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद आपको क्या करना है कि यहां से आपको बैक आ जाना है, बैक टू लॉगिन वाले सेक्शन पर। इस पर क्लिक करके लॉगिन के सेक्शन पर यहां पर आ जाएंगे, जो आपको रजिस्टर नंबर भी मिला था जो मैंने कॉपी करवाया था। इसके बाद पासवर्ड आप फिलअप करेंगे जो आपके मोबाइल पर चला गया होगा। इसके बाद इस वाला कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करके लॉगिन करना है। तो आपके मोबाइल पर आईडी और पासवर्ड आ गया होगा, इसके बाद यहाँ पर इस तरह से फिलअप करेंगे आईडी पासवर्ड, इसके बाद ये कैप्चा फिलअप करने के बाद लॉगिन करेंगे। तो आप इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर अप्लाई का सेक्शन है, उससे पहले आपको मैं कुछ जानकारी दे देना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या लगेगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखेंगे आपको क्या क्या लगेगा। इस यहाँ पर आपको स्कैन ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड का एक फ़ोटो कॉपी देना है यहाँ पर। इसके बाद बैंक का यहाँ प्रथम पेज जो होता है, यानी बैंक पासबुक चाहिए। इसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र, इसके बाद आपको संपूर्ण परिवार के साथ एक फ़ोटो चाहिए, इसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफी यानी चाहिए, यानी कि सिग्नेचर भी चाहिए। साथ में अगर विकलांग सर्टिफिकेट तो यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपको देना है, आपको आधार कार्ड जरूरी है, बैंक पासबुक जरूरी है देना, यानी जिनके नाम से यहाँ पर आप बना रहे हैं उन्हीं का यहाँ पर सभी डिटेल चाहिए, आधार कार्ड और यहाँ बैंक पासबुक, आवासीय प्रमाण पत्र और यहाँ पर संपूर्ण परिवार का फोटो, इसके बाद सिग्नेचर, ये सब डिटेल आप सभी को चाहिए। तो इतनी सी डिटेल लेकर आप यहाँ पर अप्लाई करने बैठेंगे। इसके बाद अप्लाई का सेक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू अप्लाई करना है, न्यू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर रूलर एंड अर्बन, तो यहाँ पर आप ग्रामीण क्षेत्र से होंगे यानी गांव देहात से होंगे तो रूलर पर क्लिक करेंगे, अगर शहर से होंगे तो अर्बन पर क्लिक करेंगे। मैं गाँव से हूँ, इस पर रूलर पर क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आपको आगे का प्रोसेस इस तरह से शो करेगा। तो मेरा फर्स्ट बार में इरर आ गया था, जो वहाँ पर आपको इरर शो करा, तो आप दोबारा से लॉग इन करेंगे तो आपको इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह से ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर सिलेक्ट पहले से किया हुआ। इसके बाद अनुमंडल, यानी कि अनुमंडल का अपना सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ब्लॉक का नाम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जिस भी ब्लॉक से आप होंगे आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पंचायत का नाम सिलेक्ट करना होगा, जो भी पंचायत आपका होगा तो आप अपना पंचायत सिलेक्ट करेंगे, जिसमें यहाँ पर सिलेक्ट कर चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर अपना गाँव का नाम सिलेक्ट करें, जो भी आपका गाँव होगा, तो मैं अपना गाँव का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे आना है, यहाँ पर आप जिनके नाम से अप्लाई करें उनका नाम यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर पिता या पति का नाम लिखेंगे, जो भी आपका होगा। इसके बाद यहाँ पर पति या पिता का नाम हिंदी में लिखेंगे। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस लिखना है, जो आवासीय प्रमाण पत्र होगा
उसको पूरा एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर लिंग सिलेक्ट करना है, जो भी आप महिला या पुरुष होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद वैवाहिक स्थिति डालना है, विवाहित हैं अविवाहित हैं। इसके बाद यहाँ पर कार्डधारी के संबंध यहाँ पर डालेंगे, जो भी होगा, जैसे स्वयं या जाति यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जाति वन या BC1 BC2 इस तरह से अपना सिलेक्ट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना व्यवसाय डालेंगे, आप क्या करते हैं, तो यहाँ से अपना सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको आय उससे पूछेंगे, जो भी आप यहाँ से व्यवसाय कर रहे हैं उससे आय कितना आपको यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर अपना आय सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर अपना आय सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे आना है, यहाँ पर मासिक आय कितना है उससे आपको आय से यानी कि अपना सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से, तो इस तरह सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर पहले से शो करेगा, मोबाइल नंबर पहले से शो करेगा। इसके बाद विकलांग होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट नो कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर बैंक का नाम सिलेक्ट करना है, जो भी आपका बैंक होगा, जैसे मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अपना इस तरह सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद IFSC कोड यहाँ पर टाइप करना है। IFSC कोड यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं या तो आप यहाँ से अपना लिख भी सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ। इसके बाद यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका बैंक यहाँ पर IFSC कोड नहीं मिलता है तो अदर पर सिलेक्ट करेंगे। अदर पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि अकाउंट नंबर यहाँ पर पहले तो यहाँ पर IFSC कोड डाल लेना है। अदर पर सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे। तो मैं अपना यहाँ पर सारा डिटेल फिल कर चुका हूँ। फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर पूरी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सबमिट का सेक्शन है, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पर एड्रेस नहीं फिलअप किया था इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा था। यहाँ पर मैंने एड्रेस फिलअप कर लिया हूँ। इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पेज इस तरह से सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, इसको आपको क्या करना है कि कॉपी कर लेना है, तो आप लिख लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ। इसके बाद ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद आपको आना है यहाँ पर। इसके बाद फिर से यहाँ पर अप्लाई वाले सेक्शन पर आना है पर यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ पर एडिट पैन एप्लीकेशन पर आएंगे। यहाँ पर एप्लीकेंट के यहाँ पर मेंबर अपलोड डॉक्यूमेंट फाइनल सबमिट। यहाँ पर मेंबर ऐड करने के लिए मेंबर वाले सेक्शन पर आएंगे। यहाँ पर आपको मेंबर ऐड करने का सेक्शन मिल जाएगा। अब फिर से नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर जिनको आपको ऐड करना है यहाँ पर आपको फिर से ऐड कर लेना है। ऐड करने के लिए यहाँ पर नाम लिखेंगे, यहाँ पर हिंदी में नाम, इसके बाद पिता का नाम, इसके बाद यहाँ पिता या पति का हिंदी में नाम, इसके बाद उसी तरह से डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर वैवाहिक अनविवाहिक, इस तरह से यहाँ पर संबंध सारे डिटेल डालेंगे, आधार नंबर मोबाइल नंबर। इसके बाद यहाँ पर उनका व्यवसाय से आय यहाँ पर कितना है, विकलांग है कि नहीं है, इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद आपको अगर ऐड करना है और तो यहाँ पर ऐड मेंबर जाकर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मुझे मेंबर ऐड नहीं करना है, यहाँ आपको मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, इसी तरह से अप्लाई करना है आपको। जिसको आपको मेंबर ऐड करना हो यहाँ पर अपना डिटेल सारा उनका लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अप्लाई पर आएंगे और इसके बाद एडिट वाले सेक्शन, इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पर आएंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट करके आपको दिखाता हूँ क्या क्या लगेगा। इस पर अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन वाला पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको स्कैन आधार कार्ड चाहिए, यहाँ पर टिक आउट लगाएंगे। इसके बाद स्कैन यहाँ पर फर्स्ट पेज बैंक का, इस पर टिक लगाना है फिर से, और यहाँ पर आपको रेसिडेंस आवासीय प्रमाण पत्र लगाना है। इसके बाद यहाँ आपको स्कैन परिवार के साथ एक फोटो लगाना है। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, फिर से नीचे आएंगे और यहाँ पर स्कैन एप्लीकेंट सिग्नेचर यहाँ पर लगाना है। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको देखिए क्या क्या करना है। यहाँ पर आपको पहले तो आपको यहाँ पर फैमिली फोटो लगाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है फैमिली फोटो। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर डाल लेना है, यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्नेचर। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट डॉक्यूमेंट बनाना है, यहाँ पर 1 MB के अंतर्गत जो यहाँ पर बैंक पासबुक होगा और यहाँ आवासीय प्रमाण पत्र होगा, जो आधार कार्ड होगा, सबको एक ही में अटैच करके यहाँ पर को लगाना होगा। तो चलिए मैं आपको डिटेल और ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना सारा डिटेल यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैं ऐड कर चुका हूँ। यहाँ पर आपका फोटो डालना है तो आपको पूरे फैमिली के साथ यहाँ फोटो डालना है। इसके बाद यहाँ पर अपलोड वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे ही करेंगे यहाँ पर अपलोड सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर अप्लाई वाले सेक्शन पर आएंगे और इस वाले सेक्शन पर आने के बाद आपको एडिट वाले फिर से जाना और यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट अप करना है। फाइनल सबमिट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पूरा डिटेल प्रीव्यू मिलाने के लिए डिटेल आ जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, अपना डिटेल सारा मिला लेंगे। अभी जो भी आपका गलत हुआ था यहाँ पर आप सुधार भी कर सकते हैं बैक जाकर। इसके बाद यहाँ आपको क्या करना है, सारा डिटेल मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर आपको ये सारा डिटेल आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर यस नो अपना टिकआउट लगाना है। चलिए मैं यहाँ पर अपना टिकआउट लगा लेता हूँ। जो भी आपका होगा अपने अनुसार यहाँ पर पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद यहाँ पर यस नो का अपना टिकआउट लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पर यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट जो किया गया यहाँ से आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आप अपने फ्यूचर के लिए यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन पहले यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, पहले रख लेंगे इसको, आपको फ्यूचर में काम देगा। और इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर फाइनल सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेना। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करके शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको यस करना है, ओके कर लेना है, ओके कर लेंगे यहाँ पर आपको यहाँ पर टोटल सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यही थी, आपको इस तरह से आपको सारा डिटेल अप्लाई करना है। अभी भी मन में अगर किसी भी तरह का सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। आपको डॉक्यूमेंट करने के लिए और जो भी आपका यहाँ पर फाइनल सबमिट करने के लिए सारा प्रोसेस बताया हूँ, इसी तरह से आप कंप्लीट करेंगे, आपको यहाँ पर कहीं कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दें। मन में किसी भी तरह सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको जल्द से जल्द ही सोल्यूशन देने का कोशिश करूँगा।